सेना दिवस पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों की शहादत को किया याद। आज सेना दिवस के मौके पर समाज सेवी द्वारा गांधी भवन चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने देश के लिए शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कहा कि आज सेना दिवस के मौके पर जिस भी सैनिक ने अपना बलिदान दिया उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए किस किसने अपना बलिदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम सभी सुरक्षित अपने घर में हैं। भारतीय सेना दिवस है और जो हमारे सैनिक है देश के, वो बॉर्डर पे कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप देखो अभी वर्तमान में बर्फ़ गिर रही है, सियाचिन वगैरह जो भी ये एरिया है उनमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने के बाद भी देश के सेना के जो जवान हैं बहादुरी से मुस्तैद होकर के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। तो उनका हमारा फ़र्ज होता है कि उनको याद करें, उनकी हौसला अफजाई करके उनकी हिम्मत बढ़ाएँ कि ताकि वो देश की रक्षा करते रहें। आज हमने यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। हमारे बीच में वयोवृद्ध समाज सेवी वरिष्ठ नागरिक कालीचरण दास जी खंडेलवाल, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ गांधी जी को माला पहनाई और हमने 2 मिनट मौन धारण करके शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। हमारा यही भाव है कि देश के शहीदों को नई पीढ़ी भी याद करे ताकि हमको पता लगे कि आज़ादी का महत्व क्या था। जिन लोगों ने आज़ादी से पहले का समय देखा है, अंग्रेज़ों की गुलामी का समय देखा है, उनको पता है कि देश की आज़ादी में क्या संघर्ष करने पड़े, कितने लोगों ने खून बहाया, कितनों ने महिलाओं ने विधवा बन करके देश की आज़ादी में योगदान दिया, अनेक बच्चे यतीम हो गए, उनका जो है योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ताकि आज हम उनकी वजह से ही खुली सांसें ले पा रहे हैं। रमेश लालवानी, महासचिव जनसेवा।